नवरात्रि के अचूक उपाय। हिंदू धर्म नवरात्रि की महिमा अपरंपार कही गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए प्रयोग अत्यंत फलदायी होते हैं। इनको श्रद्धा से करने से सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि यह प्रयोग गोपनीय तरीके से बिना किसी संशय के सात्विक भाव से किए जाएं। जन्य नवरात्रि के अचूक प्रयोग। नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना अति उत्तम माना गया है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। त्रय में स्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए नित्य पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर तथा मां दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्रि में माता दुर्गा जी को शहद का भोग लगाने से भक्तों को सुंदर रूप प्राप्त होता है, व्यक्तित्व में तेज प्रकट होता है। नवरात्रि में पूजा के समय प्रतिदिन माता को शहद एवं इत्र चढ़ाना कतई ना भूलें। 9 दिन के बाद जो भी बचे हुए शहद व इत्र को माता का स्मरण करते हुए खुद के लिए इस्तेमाल करें। इससे माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में इन 2 में से किसी भी एक मंत्र का अधिक से अधिक जप करने पर हर इच्छा पूर्ति होती है। नवरात्रि में प्रातः श्री राम रक्षा श्रोत का पाठ करने से हर कार्य सफल होते हैं। कार्यों के मार्ग में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं शांत होती हैं। नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार को बजरंग बली को पीले सिंदूर को चमेली के तेल के साथ मिलाकर चोला चढ़ाएं एवं लाल गुलाब भी भेंट करें। इसके साथ ही संकट मोचन को गुड़ का भोग लगते हुए बूंदी अथवा लाल पेड़े का प्रसाद अवश्य ही अर्पित करें। बहुत थोड़ा सा ही घर पर लेकर जाएं। प्रबल शत्रु को शांत करने के लिए नवरात्रि की सप्तमी नवी के दिन साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाले मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, इससे वह शांत हो जाएगा। नवरात्रि की अष्टमी के दिन पूजन के समय माता लक्ष्मी के श्री चरणों में कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। पूजा के बाद यही पुष्प लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान अथवा तिजोरी में रखना चाहिए। इसे सदा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। नवरात्रि के शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटा युक्त नारियल बांधे तथा 7 बार अपनी मनोकामनाएं कहें। फिर यह माँ का स्मरण करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से जीवन के सभी बाधाएं दूर हो जाती है।